हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ साथी कक्ष। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्ल्ड में एक ऐसे टॉपिक का जिसका नाम है कैप्चा। तो दोस्तों, सबसे पहले वेलकम टू द चैनल ऑफ साथी कक्ष एंड फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु हैज लेड माय चैनल टू गेन 70 सब्सक्राइबर्स। दिस इज अ ह्यूज ह्यूज आई हैव नो वर्ड्स टू से, अ माइलस्टोन फॉर मी टू रीच 70 सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 70 सब्सक्राइबर्स तक इस छोटे से चैनल को पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है सारे कक्षा के चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैप्चा। तो दोस्तों, हम डे टू डे लाइफ में कैप्चा से बहुत बार हमारा आमना सामना होता होगा। वो कैप्चा क्या होता है, वो कैप्चा क्यों लिया जाता है, वो कैप्चा किस लिए होता है। अधिकतर हम देखते हैं कि पेमेंट साइट और सिक्योर साइट जितने भी होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट हो जाए या कुछ ऐसे साइट्स जहाँ CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम के हो, ICSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साइट हो, ये मतलब प्रोटेक्टेड साइट हो, वहाँ कैप्चा का हमें आमना सामना करना पड़ता है। हमें कुछ इक्वेशन देते जाते हैं उसे लिखने के लिए, उन्हें कैप्चा कहा जाता है। अब कैप्चा क्या होता है, ये टेस्ट का किससे रिलेशन होता है, कैप्चा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अब सीधे चलते हैं हम एक ब्लॉग में जिसका टाइटल है व्हाट इज कैप्चा इन कंप्यूटर। ये ब्लॉग को मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है क्योंकि इसमें डिटेल वाइज और सीधे सीधे लैंग्वेज और कैप्चा के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इस इमेज को सबसे पहले देखिए। आप इस इमेज से डे टू डे लाइफ में ज़रूर आमने सामने हुआ होगा। ये है कैप्चा, जहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है एक बॉक्स में कि आई एम नॉट रोबोट। आपको बहुत वेयर्ड लगता होगा कि वाई आई एम लेट टू डू सम सच थिंग, क्यों मैं ये करूं, मैं तो रोबोट नहीं हूँ, मुझे ये क्यों करना पड़ता है, और रोबोट का ही कंप्यूटर चलाता है। हाँ दोस्तों, आज के दिन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रोज़ एक आपके न्यूज़ फीड में, आपके पेपर में और न्यूज़ चैनल में ज़रूर देता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप कर रहा है और ये कई हद तक बहुत अच्छा भी है, डेवलपमेंट में मदद भी कर रहा है, पर हैकर्स भी इसे कई बार यूज़ करते हैं मैलिशियस एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। तो दोस्तों, आपने ऐसा इक्वेशन जरूर देखा होगा जहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन के आंसर देने पड़ते होंगे या कुछ वर्ड जो धुंधले होते हैं उन्हें लिखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को कैप्चा कहा जाता है। अब कैप्चा होता क्या है, उसका डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग कि कैप्चा इज अ टाइप ऑफ चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट यूज इन कंप्यूटिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द यूजर इज ह्यूमन। तो कैप्चा एक तरह का चैलेंजिंग टेस्ट होता है जो किसको डिफरेंशिएट करता है, किन के बीच में डिफरेंशिएट करता है, एक ह्यूमन ब्रेन और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ये डिफरेंशिएट करता है कि जो लॉगिन कर रहा है मेरे साइट में वो एक ह्यूमन का ब्रेन है यानी ह्यूमन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दोस्तों, असल में ये होता है कि वो जो इक्वेशन होता है या वो जो वर्ड्स होते हैं, जो हेजी वर्ड्स होते हैं, जो उतने साफ साफ दिखाई नहीं देते क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है, हम उन्हें समझ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा छिपा हुआ लेकिन ये ए है, ये थोड़ा सा छिपा हुआ ये एस है, हम उसे टाइप कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे टाइप नहीं कर सकता। तो ये बहुत हद तक कैप्चा एक साइट को प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों, चलते हैं कि कैप्चा यूज़ कैसे होता है। तो दोस्तों, कैप्चा एक पर्टिकुलर कोड से बना जाता है, उसमें जो वर्ड्स रहते हैं वो भी एक पर्टिकुलर कोड से ही बने हुए रहते हैं। और दोस्तों, अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि व्हाई दिस टेस्ट, कैप्चा क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों, शुरू में मैंने बता दिया कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हद तक हो गई है कि कई हैकर्स मैलिशियस एक्टिविटी का अंजाम देते हैं और बहुत सारे बैंकिंग साइट्स, प्रोटेक्टेड साइट्स, पेमेंट साइट्स, ट्रांजेक्शन साइट्स को हैक करके उनमें से पैसा लूट लेते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लूट लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए कैप्चा हर प्रोटेक्टेड साइट में आपको मिलता ही है और आपको इस टेस्ट को देना ही पड़ता है, तभी आपको साइट में एसेस मिलेगी, वरना यू आर डिनाइड, योर एसेस इज डिनाइड, सिंपली डिनाइड। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था कि कैप्चा का किससे रिलेशन है, तो कैप्चा का रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैप्चा का सीधा सीधा संबंध है। कैप्चा बोलता है कि अगर आप मेरे इक्वेशन को लिख पाते हैं तो आप ह्यूमन ब्रेन है, आपको एसेस इज ग्रांटेड, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिख पाते मतलब आप रोबोट है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दोस्तों, इसीलिए अब आप जब भी उस बॉक्स में टिक करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि क्या रोबोट भी इसे चलाते हैं। आपको पता होगा, हाँ, आप रोबोट भी कंप्यूटर को चलाने लगे, सिर्फ मैं ह्यूमन ही नहीं है, हम ह्यूमन नहीं है जो रोबोट को चला रहे हैं, हाँ, तो मुझे इस बॉक्स में तो टिक करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब ये कैप्चा क्यों कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये बहुत फन बेस्ड क्वेश्चन है कि ये कैप्चा क्यों कहलाते हैं, क्या इनका भी कोई हिस्ट्री है। हाँ दोस्तों, का भी हिस्ट्री है। असल में ये कैप्चा इसलिए कहलाते हैं कि ये जो टर्म कैप्चा है ये फर्स्ट कहाँ यूज़ हुआ था, कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी इन 2000। ये कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी
में यूज हुआ था। पहली बार ये कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन्हें बनाया था, इस कोड को बनाया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी में यूज किया था? कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2000। और कैप्चा एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। कैप्चा किसका शॉर्ट फॉर्म है? कैप्चा शॉर्ट फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अबाउट। कैप्चा किसका फुल फॉर्म है दोस्तों? फिर से एक बार, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अबाउट। इसका मतलब है कैप्चा वो टेस्ट है जो ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपार्ट करता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्चा। अरे क्या कैप्चा का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है? मुझे तो यही लगता है कि कैप्चा का एडवांटेज होता है वो कितने हैकर से किसी साइट को बचाता है, हमारे ट्रांजेक्शन, हमारे पेमेंट मेथड को, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बचाता है। उसका डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? तो दोस्तों किसी भी चीज़ की दो साइड होती है, जैसे कहा जाता है एक कॉइन की दो साइड होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज सीधा उल्टा। वैसे कैप्चा के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। पहला एडवांटेज तो ये हो जाता है कैप्चा का, कैप्चा किसी भी साइट को बहुत हद तक सिक्योर करता है। वो आज तक टिल द डेट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड को सेपरेट और डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसे ऐसे डिनाई कर सकता है। वो ऐसे कोड रहते हैं, वो ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिख पाते हैं दोस्तों ये। और कैप्चा का क्या होता है एडवांटेज? कैप्चा का ये एडवांटेज होता है कि क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करा के उस साइट में एक्सेस ग्रैंट नहीं करा सकते, तो आप फेक रजिस्ट्रेशन भी उस साइट में नहीं करा सकते, जिससे बहुत ही ज़्यादा एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि एक अगर आप पेमेंट साइट में देखें तो आपको क्या होता है, आप वन यूज़र को वन आईडी मिलती है, लेकिन हैकर्स अपने कोडिंग एबिलिटी को यूज़ करके मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, जिससे मैलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैप्चा उस चीज़ में भी उन्हें रोकता है और उस साइट को बचाता है। तो ये मेन एडवांटेज कैप्चा का यही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अन वेबसाइट के अंदर जाने से रोक देता है। अब डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। कैप्चा का डिसएडवांटेज तो पहला ये होता है कि दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी साइट में आप जाते हैं तो आप कभी कभी आपसे दो तीन बार कैप्चा लिखने के लिए बोलता है। कभी तो कोई कोई प्रोटेक्टेड साइट में या रिजल्ट वाले साइट में 10-12 बार भी लिखने बोल देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कैप्चा आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि आप सच में ह्यूमन माइंड हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए वो आपसे तब तक वो टेस्ट पास करवाते रहता है जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि हाँ आप ह्यूमन है। तो दोस्तों ये एक तरह का थोड़ा डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा गुस्सा दिलाने वाला काम है, पर क्या करें दोस्तों, सेफ्टी चाहिए तो ये टेस्ट को तो पास करना ही पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, जिन्हें देखने में पढ़ने में दिक्कत होती है उन्हें ये चैलेंजिंग हो सकता है। अब ये कैप्चा पहला डिसएडवांटेज देखिए, कैप्चा नॉट फुल प्रूफ एंड कैन ओनली लिमिट स्पैम। कैप्चा फुल प्रूफ नहीं होते कि कैप्चा वन मैन आर्मी की तरह खड़ा हो गया कि हाँ भाई अब जो हैकर्स आना है आओ मैं सब पूरे साइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाऊँ, नहीं दोस्तों। क्योंकि इन्वेंशन डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है, नए नए इन्वेंशन आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है, तो अब बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्चा को भी रीड कर सकते हैं। तो कैप्चा बस फुल एक स्पैम को रोक सकता है कि स्पैमिंग कोई अगर मजाक में ऐसा कर रहा है, कोई है उससे इंटेंशन है कि हाँ वो हैक कर लेंगे तो उन्हें वो रोकता है, पर अगर वो कोई हैकर पहुंचा हुआ हैकर है तो उन्हें रोकने में ये असमर्थ हो सकता है कैप्चा। पर फिर भी दोस्तों टिल टू द डेट कैप्चा इज़ वेरी मच सिक्योर्ड टिल अनदर सम सॉफ्टवेयर और सम कोड इज रिलीज। कैप्चा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी इन एवरी प्रोटेक्टेड साइट, इन एवरी सिक्योर साइट कैप्चा मस्ट बी देयर। दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैप्चा क्या होता है, कैप्चा को हमने एक बार देखा भी, और कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टेस्ट को हमें क्यों देना पड़ता है, क्यों कैप्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड में डिफ्रेंशिएट करता है, और लास्ट में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।